वेल well, आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर है क्या सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन सिंपली से इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स कितने बॉन्ड्स है दो एटम्स के दरमियान वी कॉल दैट बॉन्ड ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज वन अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान दो बॉन्ड्स हैं मतलब डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर इज टू अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान इन दोनों एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है मतलब तीन बॉन्ड्स हैं सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स वी कॉल दैट बॉन्ड ऑर्डर अब कैसे डिटरमाइन करेंगे इस बॉन्ड ऑर्डर को बॉन्ड ऑर्डर की जो फॉर्मूला है द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग बॉन्ड ऑर्डर इज बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वट इज एन बी इज एक्चुअली नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसमें जब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थेरी पढ़ते हैं तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थेरी में मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं उसमें बॉन्डिंग एमोज होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं तो उन्ही की जिक्र यहां पर हो रही है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मीनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और दिस इज नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दिस गिव्स यू बॉन्ड ऑर्डर हाफ करके नाउ अब सिंपलेस्ट वे में कैसे डिटरमाइन करेंगे इसको So, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन सम मेथड द मेथड एम्प्लॉयड फॉर कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर इज इलेक्ट्रॉन सम मेथड। इस इलेक्ट्रॉन सम मेथड में वॉट इज दिस इलेक्ट्रॉन सम मेथड? दैट इज अगर इफ इलेक्ट्रॉन सम अगर इलेक्ट्रॉन सम मतलब इस इसके बीच में होगा इफ इलेक्ट्रॉन सम इसके बीच में होगा वन लेस आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन सम लेस आर इक्वल टू एट मतलब या तो इलेक्ट्रॉन सम बराबर आएगा एट को या तो इलेक्ट्रॉन सम जो है मॉलिक्यूल का इक्वल टू आएगा वन या इनके बीच में देन यूज बाबा बी ए बी ए बाबा देन यूज बाबा बी स्टैंड फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ए स्टैंड फॉर एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ही है मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि ऑर्बिटल कहलाता है इसका मतलब ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसका मतलब बी में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तीन नहीं आएंगे ए में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑनडी टू इलेक्ट्रॉन्स जो है आते हैं सो so, बी में दो ए में भी दो बी में भी दो ए में भी दो वही आठ हुई फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आपको बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर है क्या सो वट यू डू इज यू फाइंड द इलेक्ट्रॉन सम सो इलेक्ट्रॉन सम कितना आएगा इसका ऑटोमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वन इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें एक ही है लेकिन ये दो हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू टू सो इलेक्ट्रॉन सम दो आ गया दो इस रेंज में आता है वन टू एट में दो आता है इसका मतलब यू विल यूज बाबा सो वन यू विल यूज बाबा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दो बी में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे दो तो कंप्लीट हुए बाकी सब में क्या आएगा जीरो जीरो सो व्हाट यू डू हाफ ऑफ सो बॉन्ड ऑर्डर आपका जो है वो बराबर आएगा हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब बी में कितने दो एंटी बॉन्डिंग में कितने जीरो तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ मल्टीप्लाई हाफ हाफ मल्टीप्लाई टू दैट इक्वल टू वन सो एच और एच के बीच में जो बॉन्ड है दैट्स अ सिंगल बॉन्ड एच और एच के बीच में जो बॉन्ड है दैट्स सिंगल बॉन्ड वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। अगर हमारे पास एल आई टू मॉलिक्यूल है तो इलेक्ट्रॉन सम ऑफ निकालेंगे। कितना आएगा ऑटोमिक नंबर ऑफ लिथियम इस थ्री ये लेकिन दो है तो सिक्स आता है जब सिक्स आता है तो ये रेंज में आता है वन टू एट के बीच में आता है तो यू विल यूज बाबा You will baba. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं छः इसमें कितने आएंगे दो इसमें भी कितने आएंगे दो हो गए चार भी कितने आएंगे दो हो गए छः अब छ बराबर आ गया तो इसमें कितने रह गए जीरो सो यू कैन नाउ फाइंड बॉन्ड ऑर्डर फॉर लिथियम मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बॉन्डिंग में यहां दो है यहां दो है हो गए चार एंडिंग बॉन्ड में कितने हैं खाली दो है हो गए दो सो वॉट यू डू इज यू विल सी हाफ हाफ फोर माइनस दो वो दो हो गए इज इक्वल टू वन मतलब लिथियम और लिथियम के दरमियान जो बॉन्ड है दैट सिंगल जैसे हाइड्रोजन में था इस तरीके से आप जो है एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं एक सिंपल सी ट्रिक है अगर इलेक्ट्रॉन सम किसी भी मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल का बिटवीन तो आ गया या इक्वल टू तो आ गया वन टू एट दैन दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं तो दो मैक्सिम भर सकते हैं इनमें देन यू कैन फाइंड द बॉन्ड ऑर्टिंग दिस फॉम्यूलाउ नंबर टू इफ इलेक्ट्रॉन सम इज दिस नाइन From 9 onwards to less फ्रॉम नाइन ऑनवर्ड्स अगर हम यहाँ पे एट लिखेंगे आप इक्वल टू लिख सकते हैं एट तो हो गया उसके साथ सो so, नाइन के ऊपर और नाइन इंक्लूडेड इक्वल टू नाइन भी और ट्वेंटी के नीचे नीचे सो so, इस रेंज में अगर इलेक्ट्रॉन सम आ गया दैट इज उसका मतलब क्या हुआ उसका मतलब ये हुआ कि नाइन या तो नाइन आएगा आप, आपका इलेक्ट्रॉन सम या तो टेन आएगा या अलेवन आएगा या ट्वेल्व आएगा या थर्टीन आएगा या फिर फोर्टीन आएगा या फिफ्टीन आएगा या सिक्सटीन आएगा सेवनटीन एटीन एंड नाइनटीन ठीक ये आएंगे आपको ये जो बीच वाला है फोर्टीन अगर आप इस फोर्टीन को देखेंगे फोर्टीन इलेक्ट्रॉन सम किसको आएगा दिस इज इलेक्ट्रॉन समियर इट्स फॉर नाइट्रोजन

बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीज बाई पॉइंट फाइव ये आपको याद रखना है यहां पे मैं लिखूंगा इफ इलेक्ट्रॉन्स इफ वन इलेक्ट्रॉन इफ वन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज और डिक्रीज अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने इंक्रीज किया डिक्रीज किया टू एन टू टू फोर्टीन मतलब एन टू बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड ऑर्डर वो डिक्रीज हो जाएगा बाय जीरो पॉइंट फाइव वो डिक्रीज हो जाएगा बाय जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने इस फोर्टीन को इंक्रीज करा या एक इलेक्ट्रॉन आपने इस फोर्टीन को डिक्रीज करा डिक्रीज अगर करेंगे तो थर्टीन बनेगा इंक्रीज अगर करेंगे तो फिफ्टीन बनेगा इसी तरीके से यहां से भी अगर फिफ्टीन से आपको इंक्रीज किया एक इलेक्ट्रॉन फिर भी पॉइंट फाइव सो हर एक इंक्रीज या हर एक डिक्रीज एक इलेक्ट्रॉन करने से बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा बाई जीरो पॉइंट फाइव इस हिसाब से क्या होगा देखिए आपने फोर्टीन का बॉन्ड ऑर्डर है तीन मतलब नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर तीन है अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया थर्टीन कर दिया तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो कितना इसका 2 तो, 2 अगर फिर से एक कम करेंगे, तो क्या बनेगा टू बनेगा ये टू पॉइंट था अलेवन की तरफ देखेंगे आप ट्वेल्व में कितना था दो था अलेवन में कितना रहेगा बिकॉज पॉइंट फाइव फिर से कम होगा अलेवन में वन पॉइंट फाइव था टेन में कितना रहेगा फिर वन ही रहेगा और नाइन में कितना रहेगा जीरो पॉइंट ऑर्डर रहेगा सिमिलरली यहां से भी फोर्टीन था तो यहाँ क्या रहेगा यहाँ रहेगा फोर्टीन बॉन्ड ऑर्डर तीन था तो यहाँ टू पॉइंट फाइव रहेगा टू पॉइंट फाइव यहाँ फिर से एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिया तो टू रहेगा फिर वन पॉइंट फाइव उसके बाद वन उसके बाद जीरो पॉइंट फाइव मतलब ये कि आपने जो है इस इस रेंज में फोर्टीन एक रेफरेंस लिया फोर्टीन मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल उसमें बॉन्ड ऑर्डर तीन है अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज करा एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज करा देन पर इलेक्ट्रॉन जो है पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है बाई पॉइंट फाइव आपने एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया थर्टीन बन गया तो बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट डिक्रीज होता जा रहा है इट बिकम्स टू सिमिलरली यहां आपने इंक्रीज करा चाहे आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे बॉन्ड ऑर्डर विल ऑलवेज डिक्रीज बाय टू पॉइंट बाय पॉइंट फाइव तो ये बनेगा टू पॉइंट फाइव अगर आप कंटिन्यू प्रोसेस में करेंगे तो फिर से पॉइंट फाइव पॉइंट हो जाएगा तो इट बिकम्स टू हियर इट वन पॉइंट फाइव हियर सेम इज द केस विद हियर इस तरीके से जो है आप बॉन्ड ऑर्डर जो है निकाल सकते हैं लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ताकि आप ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए फॉर एग्जाम्पल आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है एफ आपको बताना है कि एफ में जो है बॉन्ड ऑर्डर है क्या सो वट यू डू इज फाइंड फाइन इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन कामिक नंबर नाइन है तो मतलब नौ इलेक्ट्रॉन है इसमें लेकिन ये दो है हो गया एटीन जब एटीन आया तो यू हैव दिस रेंज तो एटीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है वन होता है तो सिंगल बॉन्ड तो इसका मतलब बॉन्ड जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है सीधी सी बात सिमिलरली अगर आप लिखेंगे अगर आप लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो ही इलेक्ट्रॉन है कितने हैं दो हो गए सिक्सटीन जब सिक्सटीन आ गया आपको पता ही है सिक्सटीन कितना बॉन्ड ऑर्डर है दो है सो बॉन्ड ऑर्डर इज टू सिमिलरली अगर आपके पास सपोज दूसरा मॉलिक्यूल हम लेंगे F2B आ गया O2B आ N2 आपको पता ही है N2 का इलेक्ट्रॉन सम कितना है 14 है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है अगर आप B2 लेंगे एटॉमिक नंबर बोरॉन का कितना है एटॉमिक नंबर बोरॉन का 5 है तो 5 2 इज 10 जब 10 आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आप देखेंगे यहां टेन का बॉन्ड ऑर्डर वन है तो इट्स वन सो इस तरीके से जो है आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर लेकिन इसमें एक चीज आपको नोट करना है वन थिंग यू हैव टू बी केयरफुल दैट इज दिस इज नॉट एप्लीकेबल आफ्टर ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी जो इलेक्ट्रॉन सम है उसके ट्वेंटी इंक्लूडेड है और उससे ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन सम आएगा देन दिस इज नॉट एप्लीकेबल द ट्रिक इज नॉट एप्लीकेबल नेक्स्ट वीडियो होपफुली विल बी टॉकिंग अबाउट वो तो शॉर्ट वीडियो रहेगा दीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर थैंक यू